हमें सब पता है छाया, कैसे चलाकी से तुमने रीमा के शरीर में अपना घर बना लिया। छाया, हाँ बना लिया है, और अब ये शरीर, ये जीवन मैं छोड़ के नहीं जाने वाली। 100 साल बाद मुझे प्यार, ये परिवार, ये अपनापन देखने और महसूस करने को मिला है। हम मैं ये खोना नहीं चाहती, नहीं खोना चाहती। लेकिन अगर भैया को पता चल गया तो तुम जानती हो ना तुम्हारा क्या होगा। मैंने 100 साल से रुद्र की गुलामी की है, अब तो मुझे थोड़ा जीने दो, ये जीवन जीने दो, ये वाली जिंदगी, एक आम लड़की की आम जिंदगी, जिसका परिवार उसकी परवाह करता है, प्यार करता है उससे। प्लीज जीने दो मुझे ये जिंदगी, रहने दो मुझे शरीर में। एक आरती ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है छाया, तो हर दिन तुम ये छत के नीचे कैसे रह पाओगी। और अगर एक दिन इस शरीर ने रीमा को जिंदा कर दिया फिर क्या करोगी, कहां जाओगी छाया, कहां जाओगी। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। मायाक्षी, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। विवान की बीवी बनने का सुख मुझे थोड़ा और जीने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माँ बाप भाई बहन सास ससुर, ये सारे रिश्ते नाते जो यहाँ आके समझ में आए, ये सुख की छाया मुझे इतनी दूर मत जुदा करो। तुमने देखा ना, सिमर ने अपनी बहन के लिए सब कुछ टाप पे लगा दिया, कैसे विवान ने पलक झपकते ही रीमा को माफ कर दिया, कैसे वो अपने पूरे परिवार के सामने रीमा के लिए खड़ा था। रीमा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वरना रीमा के साथ साथ मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। जो विवान रीमा से प्यार करता है ना, ऐसा प्यार रुद्रा ने मुझसे एक पल के लिए भी नहीं किया। हमेशा मुझे अपना गुलाम बना के रखा, उससे ज्यादा मुझे कभी कुछ नहीं समझा। कैद करके रखने को प्यार नहीं कहते मायाक्षी, प्यार तो आजादी का नाम है। जो विवान रीमा से करता है, और ये प्यार को अब मैं खो नहीं सकती। प्लीज मुझे विमान से दूर मत करो, प्लीज मुझे इस शरीर में थोड़ी देर और रहने दो। जिस प्यार के लिए मैं बरसों से तरसी हूं, उस एहसास को मुझे महसूस करने दो। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने देते हैं, लेकिन इस एहसान के बदले तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। लेकिन तुम तो जानती हो ना, रुद्र भैया को समझाना कितना मुश्किल है। लेकिन हम तुम्हारे लिए ये भी कर लेंगे, उनका गुस्सा भी सह लेंगे। सच? ऐसा मुमकिन है मायाक्षी? तुम हमारी मदद करोगी? बेशक, लेकिन फिर तुम्हें वो ही करना होगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करूंगी, बताओ क्या करना है। तुम्हें सिमर को मारना होगा।
उसकी जान लेनी होगी, उसे खत्म करना होगा। क्या इतना क्यों परेशान हो रही हो छाया? ये तो तुम्हारे फायदे की भी बात है ना। तुम्हें क्या लगता है ये शातिर सिमर तुम्हारा सच एक ना एक दिन नहीं भापेगी? रहने देगी तुम्हें इस रीमा के शरीर में? जिस दिन उसे पता चल गया ना ये रीमा नहीं तुम हो, वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। सिमर, तुम्हें तो पता है ना कि सिमर कितनी चालाक है। तुमने तो देखा है ना छाया, वो रुद्र भैया से भी मुकाबला करने में नहीं घबराई, तो तुमसे क्या हार मानेगी? रीमा दी, अगर तुम्हें जीना है छाया तो सिमर को मरना होगा। उसकी मौत ही तुम्हें जीवन दान दे सकती है छाया, वरना तुम्हारा अंत बहुत नजदीक है। रीमा दी दरवाजा खोलो। अयक्षी, ये आपके लिए आरती। आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आपने आराम नहीं किया? आप चलो ठीक, आपकी बॉडी तो एकदम तप रही है, आपको बुखार है, आपने बताया क्यों नहीं? क्या हुआ दीप? मुझे बहुत चिंता हो रही है, बताओ क्या हुआ? रीमा, तुम चाह के भी सिमर को कुछ नहीं बता पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें बताने लायक छोड़ूंगी ही नहीं। कर लो, जितना प्यार करना है कर लो, क्योंकि ये आखिरी बार है जो तुम दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा रही हो, क्योंकि इस बार के बाद मैं रीमा का शरीर कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मुझे कुछ नहीं बता कि क्या हो रहा है, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा, बस ठीक सा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं थी, आप फ्रेश हो जाओ और नीचे चल के सबके साथ बैठो, सबके साथ बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कमरे में बंद रहोगे तो घुटन नहीं होगी मेरी। मैं एक बार डॉक्टर को कॉल कर लेती हूँ और आपके लिए दवाई पूछ लेती हूँ।
ये क्या करे तो पीछा करनी थी अरे माइंड वो मैंने रुद्रा को देखा वहां पे रुद्रा था वहां पे वो वापस आ गया इसी में वापस आ गया वाह कोई नहीं रीमा तुम क्या कर रही हो मैं सच कह रही हूँ तू मेरी बात की यकीन कर रही है ना वो गुस्से से देख रहा था मुझे फिर तुझे मुझे लगा कुछ पे हमला करने वाला है इसलिए तो मैंने चाकू उठाया तेरी जान बचाने के लिए मैं नहीं चाहती ना कि मेरी बहन को वो नुकसान पहुंचाए इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैंने चाकू उठाया सिमर तू मेरा यकीन कर रही है ना सच में रुद्र था वहां पे मेरा यकीन करो लेकिन रीमा वहां कोई है ही नहीं रीमा तुम भाग दी आपको गहरा सदमा लगा इसलिए ये सब हो रहा क्या आप मेरे लिए परेशान हो रही हो जबकि मुझे आपके लिए परेशान होना चाहिए कुछ नहीं होगा आप प्लीज चिंता मत कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा दी आप हो ना मेरे साथ बड़े बुजुर्ग एक बहुत ही अच्छी बात कह गए हैं तय किए हुए कपड़े अगर वापस तय करने लगे तो उसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं एक तो इंसान बहुत फ्री है या दूसरा उसको प्यार हो गया अब पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि सारी दुनिया का बोझ उठाने वाली मेरी प्यारी सिमर जो अब शायद दूसरा ही हुआ होगा प्यार इधर सिमर मैं जानता हूँ तुम रीमा को लेके टेंस्ड हो परेशान हो लेकिन तुम्हें भी समझना पड़ेगा वो भी क्या कुछ नहीं देख कर आई है अकेली बेचारी ने क्या कुछ नहीं झेला होगा सो अपनों के बीच रहेगी अपनों के लाड़ प्यार में रहेगी तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और जहाँ तक बात है मेरी प्यारी सी पत्नी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट की तो उसके मेरे पास एक इलाज है क्या आंखें बंद करो आगे खोलो ये मेरे लिए अच्छा लगा बहुत अच्छा माता रानी का लॉकेट हरिप जी इससे अच्छा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता था अब पहना दीजिए sure. कैसा लग रहा है बहुत सुंदर माता रानी हमेशा आप अपने इस सच्चे भक्त के साथ रहिएगा इससे अच्छी और सच्ची भक्त आपको मिलेगी नहीं माता रानी वीरान पे इस समय बुलाने का मतलब एक तो ना हो सकी सासू माँ आप सवाल बहुत पूछती है ये आदत ना अच्छी नहीं है
खुद पहले सारे जबरदस्ती काम करवाती हूँ और अब ये शराफत की मूरत। अच्छा, ऐसा हमने आपसे क्या क्या करवा दिया? सब कुछ तुम्हारे मुताबिक तो हो रहा है। रियांश का उस सड़क छाप काव्या का एक्सेप्ट करना। मैं आज आप सबके सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि काव्या झूठी नहीं, इसके अंदर पल रहा बच्चा मेरा है। रीमा को उस वाल घर में फिर से वापस लेके आना जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं, जहाँ तुमने कहा था कि रीमा इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। और यहाँ अब क्या सिचुएशन हो गई है, देख रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। कहा मैं अपने दोनों बेटों का फ्यूचर, ओसवाल एम्पायर का किंग बनाना चाहती थी, और यहाँ पे तूने उन दोनों लड़कियों को उनके मत्थे मड़के उनका फ्यूचर बर्बाद करने पे तुली हो। मगर मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। हमारे बीच जो वो समझौता था ना, वो अब से खत्म। आवर डील इज कैंसिल। उस रीमा को उस वाल घर में मैं देखकर एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुमने भी उसे बाहर निकालने की हामी भरी थी ना? हाँ, की तो थी। लेकिन अब हमारा मन बदल, घर मेरा, बेटे मेरे, तो तुम्हारे मन का मैं अचार डालूं? मन बदल गया, बदलो मन। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो ना, हम तुम्हें कह नहीं रहे हैं काम करने के लिए, हम तुमसे काम करवा रहे। और जब मायाक्षी दूसरों से काम करवाती है तो उन्हें काम करना पड़ता है। मायाक्षी, मैं भी यहीं पे हूं और तुम भी यहीं पे खड़ी हो, देखते हैं कौन किससे काम करवाता है। काम करवाएगी। क्यों नहीं चल रही? कुछ नहीं होगा। तुम कितना भी जोर लगा लो, हमारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। मॉम, मॉम, आपने मॉम को देखा? नहीं रे उस पे, मैंने तो काफी देर से नहीं देखा। ठीक है, इस समय मॉम कहाँ जा सकती है? उफ, ये खाने की खुशबू। रीमा दी, भूत मैं हूं या ये सिमर, जहां जाती हूं ये प्रकट हो जाती है। दी को क्या हो गया? ऐसा बर्ताव दी का मैंने कभी नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ करना पड़ेगा।